एक्शन थ्रिलर मूवीज आप सबने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप 10 फीमेल असैसिन मूवीज के बारे में जिनका एक्शन आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है 2021 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी गन पाउडर मिल्कशेक। इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है कैरेन ग्लेन और लीना हेडी ने। कैरेन को हम मार्वल की मूवीज में नेबुला के कैरेक्टर में और लीना को हम गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी लैनिस्टर कैरेक्टर में देख चुके हैं। मूवी के स्टार्टिंग सैम से होती है जो कि एक हिट वुमन है। वो अपनी मॉम और उनकी फ्रेंड सर टीम अप करती है ताकि वो 8 साल की बच्ची को बचा सके। क्या सैम छोटी बच्ची को बचा पाएगी या नहीं, वो छोटी बच्ची कौन है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी के सिनेमेटोग्राफी और एक्शन काफी अच्छा है, स्पेशली लाइब्रेरी वाला सीन। और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी की स्टोरी काफी सिंपल और प्रेडिक्टेबल है, बट ये मूवी आपको बिल्कुल बोर नहीं करती। IMDb पर मूवी की रेटिंग 6.0 और रोटेन टोमेटोस पर 59%। ये मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2021 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी द प्रोटेक्ट। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन कैंपबेल ने, जो इससे पहले कैसिनो रॉयल और ग्रीन लैंटर्न जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मैगी क्यू और सैमुअल एल जैक्सन ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। मूडी जो कि एक असैसिन है, वो एना को अडॉप्ट करता है और उसको दुनिया का बेस्ट असैसिन बनाता है। एक दिन कुछ लोग मूडी का बहरेमी से मर्डर करके चले जाते हैं, तब एना उन सारे लोगों को मारना चाहती है जिनका हाथ मूडी के मर्डर में होता है। क्या एना अपना बदला ले पाएगी या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का एक्शन स्टोरी और स्क्रीन प्ले काफी जबरदस्त है, जो कि आपको लास्ट तक इंगेज करके रखने में कामयाब रहता है। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस रिवील होता है जो कि आपको काफी सरप्राइज करता है। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.1 और रोटेन टोमेटोस पर 61%। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर हिंदी मिल जाएगी। नंबर 8 पर है 2021 में रिलीज हुई मूवी केट। मैरी एलिजाबेथ ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है, जिनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में द हंटर्स के कैरेक्टर में देख चुके हैं। मूवी के स्टार्टिंग केट के इर्द-गिर्द घूमती है। केट जो कि एक असैसिन है, उसको हाई रैंकिंग यकूजा बॉस को मारने का असाइनमेंट मिलता है, लेकिन मिशन के दौरान उसको पता चलता है किसी ने उसको पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ अगले 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। केट को पॉइजन किसने दिया, क्या वो अपना बदला ले पाएगी या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप जॉन विक सीरीज के फैन हो तो ये मूवी आपको 100% पसंद आएगी, क्योंकि इसका एक्शन लेवल आउटस्टैंडिंग है। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.2 और रोटेन टोमेटोस पर 45%। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2010 में रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी साल्ट। एंजेलिना जोली ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। मूवी की स्टोरी एवलिन साल्ट के इर्द-गिर्द घूमती है। एवलिन जो कि CIA एजेंट है, उसको आरोप लगता है कि वो रशियन प्रेसिडेंट को मारना चाहती है, लेकिन जब ये बात CIA को पता चलती है तो एवलिन वहां से भाग जाती है। क्या एवलिन खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी या नहीं, क्या एवलिन सच में रशियन प्रेसिडेंट को मारना चाहती है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और एंजेलिना जोली की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग आप सबको लास्ट तक स्क्रीन से बांध के रखने में कामयाब रहती है। मूवी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, जिसकी वजह से मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप जरूर देखें। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.4 और रोटेन टोमेटोस पर 61%, और ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2011 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी कोलंबियन। ओलिवियर मेगाटन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले टेकन और ट्रांसपोर्टर 3 जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। जोई सल्डाना ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है, जिनको हम मार्वल की मूवीज में गमोरा के कैरेक्टर में देख चुके हैं। मूवी की स्टार्टिंग कैटलिया से होती है। बचपन में उसके पेरेंट्स को उसके सामने ही शूट कर दिया जाता है, जिसके बाद कैटलिया असैसिन बनने का फैसला करती है। क्या वो अपना बदला ले पाएगी या नहीं, कैटलिया के फैमिली को किसने मारा है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का स्क्रीन प्ले और एक्शन काफी अच्छा है, जो कि आपको लास्ट तक इमेज करके रखता है। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.4 और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2017 में रिलीज हुई कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी द विलेनेस। ये मूवी इंस्पायर्ड है 1990 में रिलीज हुई मूवी निकता से। अगर आप एक ब्लडी एक्शन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये मूवी एक मास्टरपीस से कम नहीं है। मूवी की स्टोरी सूखी के इर्द-गिर्द घूमती है। सूखी जो कि एक असैसिन है, वो अपने फादर और हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती है। उसके फादर और हस्बैंड को किसने मारा, इसके पीछे क्या स्टोरी है, सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस भी रिवील होता है, जो कि आपको काफी सरप्राइज करता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप जरूर देखें। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.6 और रोटेन टोमेटोस पर 85%। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2018 में रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी रेड स्पैरो। इस मूवी की स्टोरी इसी नाम की बुक पर बेस्ड है। ऑस्कर विनर जेनिफर लॉरेंस ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रांसिस लॉरेंस ने, जो कि इससे पहले हंगर गेम्स और आई एम लीजेंड जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी रशियन गर्ल डोमिनिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसको की रशियन एजेंसी द्वारा स्पैरो स्कूल भेजा जाता है, जहां उसको यह सिखाया जाता है कि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके लोगों से इंपॉर्टेंट जानकारी निकलवा सके। डोमिनिका के अंकल इवांस को एक मिशन के लिए अपॉइंट करते हैं, जहां उसको एक मोल का पता लगाना है जो रशियन एजेंसी के सीक्रेट CIA तक पहुंचा रहा है। क्या डोमिनिका अपने मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी और जेनिफर लॉरेंस की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के लिए आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप जरूर देखें। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.6 और रोटेन टोमेटोस पर 45%। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल जाएगी। नंबर 3 पर है स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी एटॉमिक ब्लॉन्ड। ये मूवी इंस्पायर्ड है 2012 में रिलीज हुई ग्राफिक नोवेल कोल्डर सिटी पर। डेविड लीच ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले हॉब्स एंड शॉ और डेडपूल 2 जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी, लॉरेन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कि MI6 के लिए एजेंट का काम करती है। लॉरेन को बर्लिन भेजा जाता है ताकि वो बर्लिन में रह रहे डबल एजेंट्स क्लिट्स को ढूंढ सके, और ये काम उसको बर्लिन के बाद को कोलैप्स करने से पहले करना है। क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का एक्शन काफी अच्छा है, स्पेशली लास्ट के 30 मिनट, बट मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है और हम उसे इतना जुड़ नहीं पाते। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 6.7 और रोटेन टोमेटोस पर 79%, और ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएगी।
नंबर टू पर है 2011 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी हैना, जो राइट ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल ड्रामा मूवी डार्केस्ट आवर को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टार्टिंग हैना से होती, जो कि अपने फादर के साथ नॉर्दर्न फिनलैंड के सुनसान इलाके में रह रही होती है, जहां उसके फादर उसको एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद एक एफसीआई एजेंट होते हैं। वो हैना को असैसिन क्यों बनाते हैं, उनका मिशन क्या है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का एक्शन और स्टोरी आउटस्टैंडिंग है, और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस भी रिवील होता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये मूवी, आप जरूर देखें। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 7.6 और रोटेन टोमेटोस पर 80%, और ये मूवी आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी। नंबर वन पर है 2003 में रिलीज हुई मार्शल आर्ट मूवी किल बिल। क्वेंटिन टारांटिनो ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले डिजंगो अनचेंज्ड और इनग्लोरियस बास्टर्ड जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टार्टिंग प्रेग्नेंट असैसिन ब्राइड से होती है। वो अपने बॉस बिल से बदला लेना चाहती है, क्योंकि बिल ने उसको मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो 4 साल कोमा में रही। क्या वो अपना बदला ले पाएगी या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी की स्टोरी और एक्शन काफी अच्छा है, स्पेशली लास्ट के 30 मिनट। और निगेटिव पॉइंट की बात करें तो मूवी के कई सीन ओवर द टॉप लगते हैं। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 8.2 और रोटेन टोमेटोस पर 85%, और ये मूवी आपको Amazon Prime पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी असेसमेंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।